हमने लिए हैं 4 पाइया, ये पैसे पकड़े आप 3500, 3500। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे हाथ में अभी भी ये है क्योंकि नज़ला अभी तक रुका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और झूला झूल रही हूँ। ये है पप्पू, इसको बुलाया हमने अर्जेंट पे क्योंकि हमने ली हैं 4 पाइयां जो कि हमारा पुराना मसला था, कितने अरसे से था, जब हाँ। से इस कार में हम आए हैं ना उस वक्त से मसला था, आज उसको हमने खत्म किया। हमने वो 4 पाइयां बनवाने के लिए वो अपने पाए दिए हुए थे ना, तो वो हमारे वो जो कारीगर थे वो बेचारे बीमार हो गए, हार्ट अटैक हुआ उनको, काल अल्लाह पाक से आते। और हमने सोचा कि चले पता नहीं वो कब तक ठीक होंगे, हम क्यों ना उनका इंतजार करने से पहले पहले चले यही ले लेते हैं। फिर फूफू को हमने बुलाया ये दूसरे कार में। और हमारा पहला तजर्बा था, मेरा मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने इसलिए मैंने फूफू को बुलाया कि भाई देखे, मैंने बुलाया था, मैंने तो बुलाया। अच्छा आप 4 पाइयां दिखाते हैं आपको, इधर से शुरू करते हैं, इस कलर में है 3-4 पाइयां, मैंने तो ली थी 2 और 1 मिस मैंने अपने फरमाइश पे ली है। और इनको मैं, ये भाई आए थे फेरी वाले तो मैं अड्डे से ले के आया तार छोड़िए कुछ नहीं होता, 3 गाने तीनों एक डिजाइन में है। यहाँ से ऐसे ऐसे ना झूला लिया जा रहा है, डिंगिया बाई हो जाते हैं डिंगिया कार के, तो मोड़ झूला झूली वैसे झूला मैं इधर से इसको कलर नहीं लगवा, बाकी सारा जो है ना इनको कलर लगा हुआ है। क्या कह रही है? मैं ये बात कर रही थी कि अब बनवानी जो है ना फूफू के ससुर को बुला के, फूफू खुद ही बना लेती है, इनसे बनवा लेंगे। नहीं फूफू कहते मुझसे सही से नहीं होती, चलो इधर से कोई किसी से बुनाई करा लेंगे। फिर बनवा लेंगे उनसे। ये जो है ना, ये भाई कह रहा था कीकर से बनी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये कीकर से बनी है। कीकर सही होती, कीकर की अच्छी होती है, लेकिन आगे पैसों को भी तो देख के 1750 रुपए में, हाँ जी हमें 1-4 पाई पड़ी है 5250 में, 3 पड़ी है। अभी तो इसकी गीली लकड़ी है, उठाए वजनी तो है, गीली जो है। अच्छा ये बना के तो वो फिर बेचने लग जाते हैं। अच्छा आगे पैसे भी तो देख के 1750 आज के दौर में क्या है, कुछ भी नहीं। ये तो है, इस पे अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर पट्टी लगाएं। पट्टी नहीं लगाना, मुजरार का इनको पट्टी से नहीं बांधना, हमने पट्टी से तो नहीं बांधना, वान के साथ इनको बुनना है, हमने बांधना नहीं है। जो मशीनी बना होता ना ये वाला ब्रिक्स, दो कलर का ले लेना, दो रेड और ब्लैक। अच्छा बहुत प्यारा लगता है, मशराब का दे रेड और ब्लैक और ग्रीन भी बहुत प्यारा लगता है, ग्रीन रेड और ब्लैक बहुत ज्यादा ग्रीन है, जो जिस तरह का ये अपना ये पाइप का कलर है ना, ये ग्रीन नहीं है जी, ये पैरेट कलर है। हाँ जी ये तो पैरेट कलर है, नजर आपको भी आ रहा होगा वीडियो में भी। तो इस तरह का कलर जो होता है वो प्यारा लगता है, ये वाला कलर, ये देखे मुगिया थोड़ा टाइप का लग रहा है, ये वाला कलर। हाँ ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला कलर बड़ा प्यारा लगता है, जो आपको अच्छा लगेगा वो बोल देना। दो तीन है ना, हाँ। तो दो ऐसा करेंगे, एक कलर की करवा लेंगे और एक कलर की करवा लेंगे, मतलब डिफरेंट कलर होंगे। ठीक है, हाँ जी। टोकरे के नीचे जो चीजें पड़ी है ना, बारीक छोले, चिकन, ये मैं ना धोने लगी थी, चिकन सॉरी इनको मैं भिगोने लगी थी, तो फिर आपने कहा कि मैं 4 पाइयों वाले लेके आ रहा हूँ, तो अच्छा। ये इधर रख दी, नहीं तो चने खा जाने थे कबो ने, चिकन थोड़े से पहले से थे, ये देखो पहले से थोड़े से थे बारीक चने, ये पड़े थे उठाना, ये शॉपर चिकन आधा किलो है, ये और आज है जुम्मे का दिन, और जुम्मे वाले दिन जो है ना फिर कुछ अच्छा बनाना पड़ता है आपके लिए स्पेशल। ये है जी चिकन, इतने शॉपरों में डला हुआ है, 4 तो शॉपरों में, ये रहा 4 पाइयां ले शे के फारिग हो के, अब मैंने जाना है मट्टी का पता करना, अंदर कहीं है भराई मट्टी, मट्टी का पता करने के लिए थे, और 4 पाइयां लेके आ गए, और सौदा भी हमारा बांध गया था, हमने ले लिया।
पहले इधर बर्तन धोने होते थे, अब इधर। अनम पहले गुस्सा हो गई, कहती कभी कहीं जाना पड़ता, कभी कहीं जाना क्योंकि इधर हमने करानी है, ट्राली ले आनी है ईंट की और मिट्टी की, तो फिर फंस जाती। जा रही हैं आप? हाँ, मैं कपड़े धो। उधर क्या कर रही हैं? खाले पे कपड़े धो रही हैं। मैंने तो सुना था आप कपड़े सिलाई कर रही हैं। नहीं नहीं, वो कपड़े कपड़े की सफाई की है। अच्छा अच्छा, उधर गुआ लगाया तो सारा कुछ झाड़ा जोड़ा, जो मिट्टी पड़ी हुई थी। लहसुन अदरक अभी जो है पीसा जा रहा है दौरी में, और इधर हमारे जो चने हैं वो बॉयल हो रहे हैं। थोड़े से थोड़े से थोड़े से थोड़े से खाना बना रही हैं। हाँ जी जी। क्या बना रही? चार पांच दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, जैसे इतने दिन हो गए मैंने कोई काम को हाथ ही। मैं कहने लगा था क्या बना रही है, हजार बार बता चुका हूँ ये बना रही है, फिर भी क्या बना रही है, खुद पे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि आपका दिमाग वो ठिकाने पे नहीं है, आपको जुकाम जो लगा हुआ है। अच्छा, तो मुझे जुकाम लगा हुआ है इसलिए मेरे दिमाग ठिकाने पे। हमारा आज जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन हमारे कोई ना कोई मेहमान आ जाते हैं, तो आधा किलो थे आलू, थोड़े से चने मैंने भिगोए थे, और मैंने कहा चल आधा किलो चिकन। आधा किलो चिकन जिस दिन हमने चावलों के लिए लिया, मुझे लगता है उस दिन उन्होंने काम दिया है, तीन पाव थे। मैं भी अभी देख रही हूँ कि ये आधा किलो, ये आधा किलो काफी है और माशाल्लाह काफी ज्यादा लग रहा है। ये बात ऐसा होता है कि वो ना तोल में काम कर लेते हैं, ये तो अब उनका ईमान। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं जो कल तार लगानी थी उसको लगाने, तार मतलब जो बोर्ड का लगाना था उसको लगाने। रास्ता देख रहा हूँ उधर से, मट्टी सारी पड़ी है, रोज रोज रह जाता है ये काम। फलास भी हमने उठा लिया है, उसकी लावारी, और हमने अभी दीवार फलांक नहीं है, पहले मैं फलांकता हूँ। आप तो आराम से गुजर जाएंगे। ये देखें इधर ऐसे, हाँ माशाल्लाह। मसला तो आप इस बंदे भी फलांक ली है दीवार, वो भी इतने मुश्किल से, क्योंकि बारिश से उधर से आते ना तो फिर लंबा सफर पार जाना था। और अभी हम लोग आ गए हैं कमरे में और हमारा कमरा हो गया रोशन। रोशनी करके दिखाएं फिर रोशनी करें फिर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस कमरे में पहली लाइट, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना यहाँ पे चारपाई डाल लिया करूँ बल्ब के नीचे। हाँ, बल्ब के नीचे, जैसे वो स्टडी टाइम स्टडी करनी होती थी ना, तो बल्ब के पास बैठ के स्टडी करनी होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस कमरे का ये पहला बल्ब है और ये पहली रोशनी है। अल्लाह पाक इसमें ऐसे ही रोशनियाँ जलाए रखे, आमीन, आमीन। क्योंकि हमने इस पे बहुत मेहनत की है, हमने हाथों से मेहनत की है। आप कहते हैं काम कमिट करते हैं लोग कि मिसबा काम करती है, मेरे हाथ भाई, मैं नहीं कैमरे में काम करता, उसकी रीजन भी बाद में बताएंगे। लेकिन ही मैं और किसने करने होते हैं काम, ये करते हैं बस। अगर ये ना होते तो शायद आज जो ये हालात हैं, ये घर है, शायद कभी भी ना होता। और अल्लाह का शुक्र है ऐसे ही हम दोनों का साथ हमेशा रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट तरक्की भी करेंगे, बाकी वो इंशाल्लाह साथ भी रहेंगे। मुझे ऐसी बात बाद में करना थी लेकिन कर देता हूँ कि लोग कुछ कमिट करते हैं, कुछ आठ दस लोग हैं जो हमारे ना दुश्मन बने हुए हैं, बस ऐसे गलत सोचते हैं। मैं मुझे अब उनके नाम भी याद हो गए, उनका कमिट मैं देखूं मुझे पता है कुछ बुरा भला, लेकिन वो हमसे बेसिकली जलने वाले जलते हैं, लेकिन हमेशा किसी का जब हाँ जी हमारे बारे में कोई कोई जरा बराबर कोई फर्क नहीं। हमारा काम है, हमें पता है हम कैसे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बाजे कहते हैं कि जी गलत बात है, आप एक साथ रहते हैं, ये तो हमें पता है, और ये हम खुद को एक्सपोज करने वाले हैं ना। हाँ, कुछ दिन तक। हाँ, कि हम क्या तो थे, कैसे कैसे। हाँ तो जी, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, जो कैमरे के सामने होता है वो कुछ और होता है, जो बिहाइंड द कैमरा होता है वो कुछ और होता है। अब हम कैमरे में एक साथ होते हैं कि हम वीडियो बना रहे होते हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर वक्त ही एक साथ रहते हैं। और ये अभी नहीं, अभी चुप, एक्सपोज खुद को करने वाले हैं कुछ दिन तक, अभी इस बारे में कोई नहीं कहना। हमारे साथ होती है और काम कोई भी हो ना, बस चुप। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये बाद में बताएंगे सब लोगों को। तो ये जो मिसबा के हाथ में तार है, हमने बल्ब उधर लगाया एक आरजी तौर पर, बाहर भी उसकी रोशनी जाएगी अंदर भी जाएगी, क्योंकि पहले ये उधर लगा हुआ था ना बोर्ड मोटर पंप के साथ, उसका जो
मोड है, छोटा सा मोटर पंप के लिए मोर लेके आया था, बल्ब चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अब कमरे में पहले से भी ज्यादा रोशनी हो गई है उस बल्ब की भी, इधर भी होगी उधर भी होगी। हाँ, आज हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। आए बात करने फिर वक्त। तो अभी हो गई है शाम, आज के लोग को हम यही पे करते हैं। एंड इधर मुझे एक दाना नजर आया, ये कोई ना मछली टाइप सी है, छोटी छोटी तो नहीं, ये वीडियो में नजर ही नहीं आ रहे, इतने बारीक है। लेकिन ये काटती है तो खारिश इतनी ज्यादा होती है, बड़े बंदे को उलझन, और ऊपर ना सोजिश हो जाती है हाथों पे। खैर अपना भी काट ले, अपना ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना है। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।